आटे पाटिया की अंडर 14 राष्ट्रीय प्रतियोगिता 28 से 30 सितंबर पालमपुर में आयोजित की जाएगी। ये जानकारी आटिया पाटिया हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राणा ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से 20 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं और 600 के लगभग खिलाड़ी भाग लेंगे। ये खेल खो खो की प्रतियोगिता की तरह होता है। वो इस खेल में एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं और ये लड़के व लड़कियों के वर्ग की अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। देवेंद्र सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता का आगाज 28 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार करेंगे, जबकि 30 सितंबर को समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भाग लेंगे। देवेंद्र राणा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इस अवसर पर डीआर ठाकुर, अनिल घोंसला, मनोज रतन, जितेंद्र राणा, मनोज आचार्य भी मौजूद रहे। तो अपने आप में ये बहुत पुराने खेल है। जिस तरह से आप इसको देखेंगे कि 26वां नेशनल हम बॉयज का यहाँ पर करवा रहे हैं और 20वां नेशनल यहाँ पर गर्ल्स का हो रहा है, तो ये मतलब काफी सालों से गेम चल रही है। लेकिन इसका हिमाचल इस गेम से छोटा हुआ था, इसका नाम लेने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। आटिया पाटिया आमना सामना करके ये खेल है और खो खो और कबड्डी का जन्म के साथ इसका भी जन्म हुआ था। लेकिन महाराष्ट्र से निकलकर ये खेल जब आगे पहुंची तो बाकी सभी स्टेटों में इसकी अच्छी टीम तैयार बनकर तैयार हुई है। इस खेल की जानकारी जब हमारी एसोसिएशन बनकर तैयार हुई, हमें भी इस खेल का ध्यान आया और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने भी हमें आज्ञा की कि आप भी इसमें कुछ अच्छा करेंगे तो इसमें प्रयास करें। हमारी टीम बनकर तैयार हुई, हमने 3 महीने में इसके लिए हमने 6 जिलों में अपनी टीम जो है वो बनाकर तैयार कर दी, जिसमें कि कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और शिमला और चंबा, इन 6 जिलों में जो है टीम बनकर तैयार हुई। उस टीम बनने के तैयार बनने के होने के बावजूद हमने सोचा कि इसका क्यों ना एक स्टेट करवाया जाए। इसका इस खेल का भी स्टेट हमने भरेडी में कराया, हमीरपुर के भरेडी में कराया, जहां पर मुझे भी पहली बार इसको लाइव खेल को देखने का मौका मिला। तो जब इसका हमारा स्टेट बनकर तैयार हुआ और हमने जो थे 5-6 राज्यों ने नेशनल के लिए अप्लाई किया था ऑनलाइन, तो उसमें मैंने भी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर वीडी पाटिल जी, उनसे मैंने भी पर्सनली बात की कि हमारी भी हिमाचल में टीम तैयारी और स्टेट में, तो ये आप इसको कर ही रहे हैं क्यों ना इसका हिमाचल को टूर्नामेंट हमें मिले। उन्होंने कहा राणा जी आप तो ये जो फॉर्मेलिटीज है वो करनी होगी, हमने और हमारी टीम ने मेहनत की और उस मेहनत के बावजूद हमें मेल आ गई कि आपको ये हम अंडर 14 का बॉयज और गर्ल्स का टूर्नामेंट जो पालमपुर में दे रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी टीम ने ये डिसाइड किया, हमारी जो प्रदेश की कमेटी ने ये डिसाइड किया कि जब हम बाहर के लोग आएंगे और हमारा हिमाचल का नेतृत्व यहां पर नहीं होगा तो लोग भी जो दर्शक होंगे वो एक चाहेंगे कि क्यों ना हिमाचल की टीम भी इसमें खेले। हमने हमारे कोचेस तैयार करके कैंप लगाया और जब हमीरपुर में ये इसका सेट हुआ उसमें से हमने अंडर 14 की बॉयज और गर्ल्स की टीम भी अपनी तैयार कर ली। तो आपके माध्यम से जानकर तो आपको खुशी होगी कि हमारी जब ये 20 राज्य यहां पर आ रहे हैं उन 20 राज्यों में हिमाचल की टीम भी यहां पर नेतृत्व करेगी, वो भी यहां से खेलेगी। मैं आपके माध्यम से ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि इसका शुभारंभ हमारे लोकप्रिय हिमाचल प्रदेश के नेता, जिनके कार्यप्रणाली से आज पूरा हिमाचल प्रदेश कायल है और स्वास्थ्य क्षेत्र को एक नई बुलंदियों को आज हिमाचल प्रदेश उनके नेतृत्व में छू रहा है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी 28 तारीख को यहां पर पहुंचेंगे 11 बजे और इस नेशनल स्तर के टूर्नामेंट का जो है वो शुभारंभ करेंगे। उनके साथ हमारे लोकप्रिय विधायक जिसमें श्री रविन्द्र रवि धीमान जी साथ होंगे और उनके साथ हमारे श्री अरुण कुमार मेहरा जो नगुट्टा गांव के विधायक हैं वो भी उनके साथ रहेंगे। 29 तारीख को हमारे साथ माननीय हमने डीसी साहब से निवेदन किया है, डीसी साहब यहां हमारे साथ रहेंगे और यहां पर जो मुकेश सूजी उनके साथ वो रहेंगे और 30 तारीख का जो हमारा क्लोजिंग होगी, तो कल हमारा जो कार्यक्रम था वो माननीय गोविंद जी का जो था वो उनका भी फाइनल हो गया है। तो श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी जो फॉरेस्ट और ट्रांसपोर्ट और यूथ सर्विस के मिनिस्टर हैं, हमने उनसे भी निवेदन किया था कि आप आएंगे तो हमारे जो टीम को उसको और उत्साहित और प्रोत्साहन मिलेगा। तो वो गोविंद सिंह ठाकुर जी 30 तारीख को इसका समापन पर मुख्य अतिथि रहेंगे। उनके साथ श्री मुल्क राय प्रेमी जी जो विधायक है बैनास के वो रहेंगे और हमारे जिला के और चीफ एडवाइजर जो वाटर एसोसिएशन के हैं श्री विनय शर्मा जी,